नमस्कार, मैं हूं शिव। आप देख रहे हैं SDF न्यूज। जैसे कि इस कोरोना महामारी के प्रकोप में आज इतनी गर्मी भी पड़ रही है, और इस कोरोना महामारी के चक्कर में आप सब देख रहे हैं कि सब कुछ दुकान यहां पे सारी की सारी बंद कर दी गई है। ये देखिए, यहां पर टी स्टॉल जो भी था वो सब का सब बंद है। फोटो स्टेट की दुकान और जो भी चीज़ आपको दिख रहा है सब चीज़ यहाँ पर बंद है कोरोना महामारी के चक्कर में। ये देखिए, सारे टी स्टॉल्स बंद कर दिए गए हैं। जिस तरह से यहाँ पे कोरोना महामारी का प्रभाव बहुत ही ऊपर तक बढ़ा जा रहा है, उसी तरह से लू का भी प्रभाव, गर्मी का भी बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ चुका है कि लोग अपने घर से बाहर निकलने में कोरोना के चक्कर में डर रहे थे, और ऊपर से जो गर्मी है तो उसके चक्कर में भी कोई बाहर नहीं निकल पा रहे। तो आप देखिए, सड़कों पर जहाँ की बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी, वहाँ पर कम ही अंश में गाड़ियाँ चल रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कोरोना के चक्कर में सब अपने अपने घर पे हैं, ऊपर से जो गर्मी का प्रभाव अधिक पड़ा हुआ है उस वजह से भी सब घर में हैं। और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि सत्तू का दुकान हुआ करता था, जो कि अभी सब बंद है, और गाड़ियाँ जो खुलने का प्रबंध सरकार ने करवाया है तो उसमें भी गाड़ियाँ खुली है कुछ ना कुछ। ऊपर से जो है आप देख रहे हैं कि सभी जिनको काम है वही बाहर निकल रहे हैं, और सब लोग अपने अपने घर में ही रहना सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ज़्यादातर दुकानें बंद है, लेकिन कुछ जूस की दुकानें आप देख रहे हैं जहाँ पे खुला हुआ है। तो आप देखिए कि हम आए एक जूस वाले भैया के दुकान के पास, और इनसे पूछना चाहते हैं कि इनकी दुकानदारी पहले कैसे चलती थी और अब इस लॉकडाउन में और गर्मी में कैसी चल रही है। ये लॉकडाउन से बहुत भैया हम लोग का नुकसान हुआ है। लॉकडाउन से पहले हम लोग का दुकानदारी मतलब ऐसा था कि घर द्वार हम लोग का चलता था, प्लस लॉकडाउन होने के कारण हम लोग दुकान से भी लॉस किए हैं, प्लस दुकान से लॉस तो हुआ जो हम लोग का 20,000-15,000 रखे हुए थे अकाउंट में वो भी बैठ के खा गए, और दुकान से एक रुपया प्रॉफिट अभी नहीं है। यहाँ पे कारगिल चौक भी है, जिस जगह पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक हुआ करता था कि आदमी को राह चलने में बहुत ही ज़्यादा मशक्क़तें आती थी, दिक्कतें आती थी। तो आज मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, और कोरोना के महासंकट के समय में सब लोग अपने घर पर ही रहना अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं। ऊपर से आप लोग देख रहे हैं कि कितनी प्रचंड गर्मी हो रही है, तो इस वजह से भी सब लोग अपने घर में ही रहना सुरक्षित समझ रहे हैं। और आप लोगों को मैं ये भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे बगल में कितनी सारी दुकानें हुआ करती थी, आइसक्रीम की, छोले भटूरे की, चाय की, और चश्मे इत्यादि की, कपड़ों की दुकान, सब कुछ हुआ करती थी। तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। और उसी प्रकार से हम लोग इस मोना मॉल के सामने आ चुके हैं, जिसमें कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पटना का एक फेमस सिनेमा हॉल है और रेस्टोरेंट भी है इसमें नीचे। तो ये सब का सब अभी खाली पड़ा हुआ है, तो इन सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है लोग कोरोना के महामारी के इस दौरान। तो आइए, यहाँ पर हमें कुछ एक आध दो दुकानें खुली हुई मिल रही है, इसमें से हम पूछना चाहेंगे कि भैया आपका पहले कैसा चलता था दुकान, और अब कोरोना के इस महामारी में आप लोग कैसे अपना दिन गुजार रहे हैं। हाँ भैया, ये बताओ कि आप एक साल पहले जब कोरोना महामारी नहीं था या जो भी था, तो उसमें कैसे तुम्हारा दुकान चलता था और कितना कमा लेते थे, और अब क्या चलता है, अब क्या समस्या है, तो वो सब बताओ मुंह ढक के आप। अब तो बहुत बेकार समस्या, अभी तो पहले तो था 30-100 बच जाता था, अभी तो खाने के लिए भी आफत हो जा रहा, 1,000-2,000 पूंजी लगा के हम तो सोच रहा कैसे निकलेगा पूंजी। ये कोरोना के चक्कर में कितना हम देखो भूखे मार दिया, बीमारी से मरे या ना मरे, बाकी भूख से जरूर हम भी मर जाएगा। तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा बात किया, जिसको कि नोटिस किया जाए कि कोरोना के चक्कर में तो नहीं, लेकिन भूख के चक्कर में बहुत सारी पब्लिक, बहुत सारे गरीब लोग हैं ऐसे जिनको समस्या हो रही है। हम लोग आ चुके हैं नाला रोड, और नाला रोड पे काफ़ी ज़्यादा चश्मे का दुकान है और फर्नीचर का दुकान है, जो कि सरकार के आदेश मिलने के बावजूद भी बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि मित्रों, एक तरफ तो कोरोना का महासंकट जारी है, और दूसरी तरफ इस प्रचंड धूप ने तबाही मचा रखी है, लू का प्रभाव बढ़ चुका है, तो इस वजह से सब लोग अपने अपने घर में ही रहना सुरक्षित मान रहे हैं। और कुछ ही यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सारे का सारा फर्नीचर का दुकान है, तो यहाँ पर कुछ ही दुकानों को खोला गया है जिनको कि अपना व्यवसाय चलाना है, तो वो लोग बेचारे कैसे भी करके अपनी दुकान को खोले हैं यहाँ पर। और हम इनसे कुछ पूछना चाहेंगे कि लोग कैसे लॉकडाउन जब नहीं था तो कमाते थे, और लॉकडाउन में इन लोगों को क्या समस्या आ रही है? लॉकडाउन में बहुत समस्या है कि
जो पहले हम लोग सड़क से आवागमन था आदमी का, हम लोगों का 2 पैसा हो जाता था, अब जो है सो आवागमन नहीं है तो हम लोगों का मरण हो गया है, यही समस्या है। और बाकी जो भाड़ा तय की है सरकार, वो पब्लिक देने के लिए तैयार नहीं है कि भाई तो पैसे नहीं हैं, तो उससे लोग झगड़ा झंझट नहीं करना चाहता है, किसी तरह अपना हाथ गोड़ जोड़ कर निकल जाता है आदमी। लॉकडाउन में क्या कमा पा रहे हैं, और लॉकडाउन जब नहीं था तो क्या कमाते थे, और घर गृहस्थी आपका कैसे चलता था? वही यही तो कमाने वही होता है, खाए भर के हो जाता है बस, और घर नहीं भेजने पाते हैं। हम लोग का कोई फायदा है नहीं, पहले भी वही स्थिति था, बंद था तो हम लोग घर पे रहते थे, कमाई नहीं होता। आज रोड में भी आने पर हम लोग का सवारी नहीं मिलता है, तेल का पैसा भी नहीं निकलता, लॉस में जा रहा है, और 2 सवारी चलना है तो हम लोग का लॉस हो रहा है, इससे भी हम लोगों को कोई फायदा है नहीं। हाँ, कमाई वमाई हो रहा है हम लोग के लॉकडाउन से पहले चालू था तब कमाई होता था, अब तक कमाई नहीं हो रहा, इतने बात है। कुल मिला के इनका ये कहना है कि इन लोगों का कमाई ठप किया हुआ है, ये लोग बेचारे गर्मी में यहाँ रहते हैं कि एक दो हम लोगों को भी व्यवस्था मिल जाए कि हम किसी को पहुँचाएँ कहीं पे, लेकिन वो भी व्यवस्था मिलता है तो सरकार के द्वारा कहे गए डबल जो इनका किराया लिया जाता है तो वो भी लोग देने से कतराते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाने चाहूँगा कि यहाँ पे और भी सारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं, बैग लेकर सब यहाँ पे तैयार खड़े हुए हैं। तो मैं इन लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं और क्या व्यवस्था, इन लोगों को कहीं फंस गए थे या क्या बात हो गई थी, चलिए बताइए आप। गोपालगंज जाने का है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग गुजरात से, अहमदाबाद से आए हैं। तो आप लोगों को भोपालगंज जाना है और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, तो किसके ठिकाने पे आप लोग यहाँ पे आए हैं? ट्रेन से आए हम लोग। ट्रेन से आए तो ट्रेन से ही जाएंगे? नहीं, ट्रेन से नहीं, बस से। चलिए, तो ये लोग बस से अपने अपने जगहों पे पहुँचना चाह रहे हैं, और जैसा कि बस भी चालू हो चुका है और कुछ दिनों के लिए ट्रेन भी चालू हो चुका है, तो अब लोगों को कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब भी कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का महसूस कर रहे हैं। और आप लोग ये जितना भी जगह देख रहे हैं, इस हर जगह पे कोई ना कोई चीज़ का दुकान हुआ करता था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ अभी बंद पड़ा हुआ है, घरों में रहने के लिए लोग मजबूर हैं, खाने पीने का व्यवस्था नहीं है किसी के पास, तो वो काम करने के लिए अपने आप को बाहर ला रहे हैं और आ रहे हैं। और आजकल हमारे देश में गरीब सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा संख्या में हमारे देश में गरीब परेशान है। आप लोग देख रहे हैं ये बेचारे अपना बैठे हुए हैं यहाँ पे, इन लोगों को कोई सेवा करने वाला भी नहीं है यहाँ पर। कुल मिला के ये है कि पटना स्टेशन का जो नज़ारा आप लोग पहले देखते होंगे वो अब बंद हो चुका है कोरोना महामारी के संकट में, ऊपर से लू का भी प्रभाव अधिक पड़ रहा है। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ SP शिव।